जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से उत्तर प्रदेश SI की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके जो नोटिफिकेशन है ये आज ही जारी हुआ है दोस्तों, और इसमें जो है आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी, फीस, डिटेल, इन सभी की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और फॉर्म कब से भरा जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ आपको हमारे साथ रहना होगा जब तक हम आपको यह पूरी डिटेल नहीं बता देते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बता दें जो टोटल इसमें पोस्ट लाया गया है, टोटल पोस्ट जो इसमें है 9534 पोस्ट हैं टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो है बटा हुआ है, आरक्षित वर्ग का 3613 पोस्ट है, EWS का 10% यानी कि 910 पोस्ट है, और OBC का 27% यानी 2437 पोस्ट है, अनुसूचित जात का 21% यानी 1895 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजात का 180 पोस्ट है। तो टोटल 9027 पोस्ट जो इसमें दे रखे हैं ये है। इसमें बता दें कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, फ़ीस डिटेल कितनी है। तो दोस्तों, इसमें फ़ीस जो है वो आपका फॉर्म भरने का वो 400 रुपये आपसे लिया जाएगा, जो है आपका फॉर्म भरने में 400 रुपये फ़ीस कटेगा। ये जनरल OBC और SC सबके लिए बराबर है, इसमें कोई फ़ीस की कमी नहीं की गई है, सभी का फ़ीस जो है वो 400 रुपये कटेगा। और इसमें बता देते हैं ये फॉर्म जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफ़िकेशन जो है आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट जो हम बता दें तो एज लिमिट जो है इसमें 21 से 28 तक की एज लिमिट मांगी गई है आपसे, जो है 21 साल, आप 1 साल 2021 पूरे हो चुके हैं आप, तब तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। जो डेट हमने बताया आपको आरंभ होने की डेट जो है 1/4/2021, यानी कि अप्रैल से फॉर्म भरा जाना है, 1/4/2021 से स्टार्ट होगा, और आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट जो इसकी है 30/4/2021, ये पूरे पूरे एक महीना चलेगा दोस्तों। 1/4/2021 से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और 30/4/2021 तक फॉर्म भरा जाएगा। इसमें जो फीस हमने बताया था आपसे 400 रुपये, वो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। इस भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थी हैं तो आवेदन शुल्क RS 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं, और अर्हता यानी कि जो इसमें जो इनका अर्हताएँ हैं वो भर्ती के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो, या जो भारत में निवास स्थायी के अभिप्राय से पहले 1962 के पूर्व में आया हो, और भारत का मूल का एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और किसी पूर्व देश कनाडा और यूनाइटेड रिपब्लिक से प्रव्रजन किया हो। तो ये सब चीज़ें कैटेगरी हो गई, तो जो तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं तो हम लोग तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको पोस्ट वाइज बता दें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जो आपका उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून एवं कमांडर PSC पद के लिए रहेगा, तो भारत विधि में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता, यानी आपके पास स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। और एक पोस्ट है इसमें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए, तो इसमें भी वही चीज़ें मांगी गई हैं, बस इसमें विज्ञान में स्नातक मांगा गया है। आप अगर विज्ञान से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, साइंस से, तो आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो हम बता दें कि अपीयरिंग वाले लोग क्या डाल सकते हैं फॉर्म को, तो इसमें जो यहाँ पे टिप्पणी में इन्होंने लिख रखा है, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि इसमें जो अपेयरड या अपेयरिंग वाले लोग हैं वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जो अपेयरिंग है उनको अभी मार्कशीट कहाँ मिलेगी, तो इसीलिए वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है सिर्फ वही लोग फॉर्म को भर सकते हैं। एज जो इसमें है 21 साल कम से कम मांगा गया है, 1/7/2021 को आप 21 साल पूरे होने चाहिए। तो इसमें ओ लेवल का जो बता दें, ओ लेवल इसमें मांगा गया है, यानी कि अगर किसी दो बच्चों का अंक समान रहता है तो उसमें से जिन्होंने ओ लेवल कर रखा है उसको वरीयता दी जाएगी, ये इसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है। और एज लिमिट तो बता दिया हमने कि 1/7/2021 को 21 साल कंप्लीट होना चाहिए, वही चीज़ें यहाँ नोटिफिकेशन में दी गई है। और इसमें बता दें दोस्तों, जो वैवाहिक परिस्थिति है ये सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा।
सिलेबस का इसमें बता दें, सिलेबस जो है इसमें क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस सामान्य हिंदी से 100 नंबर का आना है, और मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान से 100 अंक का आना है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक का आना है, मानसिक अभिरुचि से, यानी कि टोटल 400 अंक का आपका ये जो है एग्ज़ाम होगा, और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको मिलेगा। और इसमें जो है फिजिकल जो मांगा गया है कैंडिडेट से, पुरुषों के लिए ये जो है आपका एक सामान्य पिछड़े और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर आपसे मांगा गया है। इसमें जो है आपका सीना जो हम आपको बता दें तो न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर होना चाहिए, और फुलाने के बाद में आपका 84 सेंटीमीटर जाएगा यानी कि 79 से 84 के बीच में होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों का 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजातियों के लिए है, 77 से 82 तक, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए बता दें तो महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है, 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है, और महिला अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। और जो वेट इसमें बता दें, वेट जो है महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम कम से कम मांगा गया है, यानी कि 40 केजी की कम से कम तो होनी ही चाहिए महिलाएँ जो हैं। बाकी इसमें जो है दौड़ मांगी गई है, ये सभी चीज़ें हैं आप इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। और इसमें जो फॉर्म भरने की हमने डेट बताई है वो 1 अप्रैल 2021 से भरा जाएगा और 30 अप्रैल 2021 तक भरा जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों।